नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि बिहार में ऐसा पहली बार होगा जहां पक्षी अभयारण्य महोत्सव जमुई जिले के झाझा स्थित प्रकृति की गोद में बसे हुए नागी डैम में होने वाला है। और आपको इसके साथ ही बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवागमन होने वाला है आज, यानी मकर संक्रांति का आज तारीख हो गया 14 जनवरी, और 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर स्वयं आएंगे और वो यहां पर जो पक्षी अभयारण्य महोत्सव जिसका नाम कलरव रखा गया है उसका उद्घाटन वो अपने हाथों से करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा, जबकि नागी डैम बहुत ही विगत कई वर्षों से इस प्रकार अधूरा पड़ा हुआ है, यहां पर पर्यटक आते हैं परंतु यहां पर वैसी कोई भी सुविधाएं नहीं है जो कि पर्यटक जो आते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। यहां का सबसे आकर्षण करने वाला चीज़ है वो है पक्षियों की संख्या और पक्षियों के विभिन्न प्रकार के प्रारूप। उनकी अभूतपूर्व सुंदरता ही लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारी जो है, जिले के तमाम पदाधिकारी आकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। कंटिन्यू जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लगभग परिपूर्ण कर दी गई है। 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है, 15, 16, 17। 16 तारीख को CM साहब आएंगे, मेला का भी उद्घाटन करेंगे, लेकिन विधिवत कल से ही मेला का शुरुआत है। और यहाँ जो है विदेशी पक्षी यहाँ विचरण करने आती है। 132 देशों का लगभग पक्षी यहाँ आती है और जो मार्च महीने के बाद यहाँ से जाती है, उसके सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ राजहंस ग्रुप है, जो बर्ड लवर ग्रुप है, और वो ग्रुप आपके सहयोग में, पर्यटकों के सहयोग में तत्पर यहाँ लगा हुआ रहता है और आगे भी हम लोग लगे रहेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सभी लोग हम लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा है और रात दिन हम लोग लगे हुए हैं आज 10 दिन से कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और प्रशासन के द्वारा भी सारा तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, विधि व्यवस्था भी पूरा चुस्त है। हमारे जिला के सभी प्रशासन के पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं और रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को हम लोग सफल करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार अमरेंद्र जी ने अपनी बातों को रखा और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जनता को भी इस बात का कहीं ना कहीं आश्वासन दे रखा है कि अगर यहाँ पर इस जगह को, नागी डैम को, प्राकृतिक सौंदर्य से बसा हुआ ये इस नागी डैम को अगर विकासशील बनाया जा सकता है तो मुख्यमंत्री के आने से कहीं ना कहीं बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो खबरों में बस फिलहाल इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नेशन न्यूज़ को।